भगवान कृष्ण के बारे में जो भी कुछ है वो मधुर है। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम आ गया। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। वदनं मधुरं नयनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम्। अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा। गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा। सलिलं मधुरं कमलं मधुरं
मधुराधिप तेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इसका हिंदी अनुवाद है क्या? इसमें हिंदी में नहीं है, हिंदी में भी कहीं होगा सॉन्ग बुक में? नहीं है, है? तो जोर से पढ़ लो या माइक में, माइक और है क्या कोई? उनके होंठ मधुर हैं, उनका मुख मधुर है, उनके नेत्र मधुर हैं, उनकी मुस्कान मधुर है, उनका हृदय मधुर है, उनकी चाल मधुर है, मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं, उनके शब्द मधुर हैं, उनका चरित्र मधुर है, उनकी पोशाक मधुर है, उनके उदर के मोड़ मधुर हैं, उनकी गतिविधियाँ मधुर है, उनका भ्रमण करना मधुर है, मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं, उनकी बांसुरी मधुर है, उनके पाँव की रज मधुर है, उनके पाँव मधुर हैं, उनका नृत्य करना मधुर है, उनकी मित्रता मधुर है, मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर है, उनका गायन मधुर है, उनके पीत वस्त्र मधुर है, उनका खाना मधुर है, उनका शयन करना मधुर है, उनका सौंदर्य मधुर है, उनका तिलक मधुर है, मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर है, उनके कार्य मधुर है, उनका मुक्ति प्रदान करना मधुर है, उनका चोरी करना मधुर है, उनकी जल क्रीड़ाएं मधुर है, उनका अर्पित करना मधुर है, उनकी निस्तब्धता का या शांत रहना मधुर है, मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर है, उनकी गुंजा बीरी का हार मधुर है, उनकी पुष्प माला मधुर है, उनकी यमुना नदी मधुर है, उनकी लहरें मधुर है, उनका जल मधुर है, उनके कमल मधुर है, मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर है, उनकी गोपियां मधुर है, उनकी लीलाएं मधुर है, उनका संयोजन या सम्मिलन मधुर है, उनका भोजन मधुर है, उनकी प्रसन्नता मधुर है, उनकी शिष्टता मधुर है, मधुरता के सम्राट के विषय में सभी वस्तुएं मधुर है, उनके गोप मधुर हैं, उनकी गायें मधुर हैं, उनके कर्मचारीगण मधुर हैं, उनकी सृष्टि मधुर है, उनका कुचलना या रौंदना मधुर है, उनका लाभदायक या सफल होना मधुर है, मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। जय हो, धन्यवाद। मधुरता के सम्राट के सभी वस्तुएं मधुर है, तो ऐसे सम्राट के शरण में हम सब आए हैं। हरे कृष्णा। मैं सोचा ये वो श्लोक है पहले वाला,
हिंदी में है, हिंदी में है, तो ये श्लोक आप जानते होंगे। आप में से कितने भक्त इस श्लोक से परिचित हैं, हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और न केवल भक्तों के लिए परंतु विशेष करके ब्रह्मचारियों के लिए तो और भी लाभदायक और महत्वपूर्ण है। और ऐसा क्यों, हम आगे चल के देखेंगे। तो चौथे स्कंद के तीसवें अध्याय का आठवां श्लोक। श्री भगवान उवाच वरम वृणीध्वं भद्रं वह यूयं मे नृपनन्दनाः सौहार्देन अपृथक् धर्माः पुष्टः अहम् सौहृदेन वह। श्री भगवान उवाच वरम वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः सौहार्देना पृथक् धर्माः तुष्टोऽहं सुहृदेन वः तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। श्री भगवान उवाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः सौहार्देना पृथक् धर्माः तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। बोलिए। श्री भगवान उवाच परम वृणीध्वं भद्रं वो श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा वरम वर आशीर्वाद वृणीध्वं मांगो भद्रम कल्याण वह तुम सबका यूयम तुम सब में मुझसे नृपनंदनाः हे राजपुत्रो सौहार्देन मित्रता से अपृथक अभिन्न धर्माः कार्य तुष्टः प्रसन्न अहम् मैं सौहृदेन मित्रता से वह तुम सबका। अनुवाद और तात्पर्य।
श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान ने कहा, हे राजपुत्रो, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रता पूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। कौन तात्पर्य पढ़ेंगे? माइक में पढ़िए, पढ़ोगे? दूसरा माइक है कोई? दूसरा नहीं, ये ले लो। भगवान ने कहा, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे रहो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। चूंकि राजा प्राचीन मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, अतः भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। राजा प्राचीन प्रसिद्ध के सभी पुत्र पृथक जीव थे, किंतु भगवान की भक्ति करने में वे सभी एक थे। परमेश्वर को प्रसन्न करने अथवा भक्ति करने के लिए जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है। भले ही आधिकारिक रूप से लोग एकमत हो, लेकिन उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं। उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राष्ट्रों की अपनी अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय आशंकाएं होती हैं, अतः उन्हें एकमत नहीं किया जा सकता। इस संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावनामृत संघ में भी कभी कभी मित्र भिन्न मतों एवं विचारों तथा भौतिक स्वार्थों के प्रति झुकाव के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है। वस्तुतः कृष्ण भक्ति में द्वेत नहीं रह सकता। एकमात्र उद्देश्य है यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसे अध्यात्मिक समझना चाहिए। जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि श्लोक में इंगित किया गया है, हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन प्रसिद्ध के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। जय हरे कृष्णा। दृष्टि बड़ी तेज है इतनी दूर से यहाँ स्पष्ट पढ़ पा रहे हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान 10 प्रचेताओं के समक्ष प्रकट हो चुके हैं।
ये प्रचेता गण कौन थे? राजा प्राचीन बर्हिषत के पुत्र थे। उनका नाम बर्हिषत है, परंतु प्राचीन काल से आए, बहुत उनकी आयु लंबी थी, तो प्राचीन बर्हिषत नाम हो गया। कर्मकांडी थे और नारद मुनि ने उनको फिर वैष्णव बनाया। तो उनके 10 पुत्र वन में चले गए थे तपस्या करने के लिए। स्वयं राजा ने ही उनको भेजा था। ऐसी प्रथा वैदिक सभ्यता में हुआ करती थी कि राजकुमार हो, राजा हो या रंक, सभी को तपस्या करनी चाहिए। यज्ञ, दान, तप, ये 3 चीजें चारों आश्रमों के लिए अनिवार्य हैं। ये हम भगवद गीता से जानते हैं। तप, यज्ञ, दान, भले इनका रूप भिन्न आश्रमों के लिए अलग क्यों ना हो, परंतु सिद्धांत तो है, सभी को ये करना है, यज्ञ, दान और तप। तो ये प्रचेतागण भी गए थे। अनेक वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। कहाँ तपस्या की उन्होंने, किसी को पता है? जल के भीतर। जल के भीतर, हम तो जल के भीतर 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रह सकते, परंतु पूर्व युगों में ऐसे संभव था। सौभरी मुनि भी जल के भीतर तपस्या कर रहे थे यमुना में। अभी भक्ति करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम जल के भीतर जाएं, परंतु पूर्व युगों में ऐसे कभी कभी लोग करते थे। वन में जाते थे, कभी कुछ कभी कुछ, तरह तरह की तपस्याएं उस समय संभव थे, आजकल के युग में संभव नहीं है। तो जल के भीतर लंबे समय तक तपस्या कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे भगवान की। शिव जी वहां पर प्रकट हुए थे जबकि वो तपस्या के लिए जा रहे थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, शिव जी तो महान वैष्णव हैं। तो उन्होंने जब प्रचेताओं को देखा तो उनको अच्छे उपदेश दिए उन्होंने, और एक गीत सुनाया जिसको क्या कहते हैं, रुद्र गीत। ये गीत तो क्या, ये तो भगवान की प्रशंसा है, भगवान की स्तुति है। वैष्णव तो स्तुति ही करते हैं भगवान की, और क्या करेंगे, दूसरा कोई काम है ही नहीं भक्तों का, सिवाय भगवान की सेवा करना, भगवान की स्तुति करना, गुणगान करना। तो शिव जी के द्वारा इस गीत सुनाए जाने पर प्रचेताओं ने इस गीत का पठन किया और भगवान की सेवा की, तपस्या की। अंततः स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हुए, और जैसे ही प्रकट हुए, प्रचेतागण तो आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान प्रत्यक्ष साक्षात उनके सामने खड़े हो गए हैं। तो भगवान भी पानी के अंदर आए होंगे। तो जब प्रचेतागण पानी में रह सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं रह सकते? हमारे लिए पानी में रहना भी बड़ी बात है, परंतु तो भगवान के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं। ये सारी चीज़ें उन्हीं ने बनाई हैं, उन्हीं की शक्तियां हैं। चाहे जल हो, अग्नि हो, वायु हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, भगवान पृथ्वी के भीतर भी रह सकते हैं, जैसे नरसिंह देव भगवान खंभे के अंदर। कभी वो हवा में दिखाई पड़ते हैं, कभी पानी में वो रह सकते हैं, कभी अग्नि में से भी प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु तो यज्ञ के अग्नि से प्रकट होते अपने सारे आहुतियां स्वीकार करते हैं। तो ये 5 तत्व भगवान की शक्तियां हैं, अपराशक्ति भगवद्गीता में हम पढ़ते हैं। तो भगवान भी वहां जल के अंदर ही जाकर बात कर रहे होंगे उनसे। तो ये सारा वार्तालाप जो हो रहा है, ये संवाद ही जल के भीतर हुआ है। तो सबसे पहली बात जो भगवान ने कही, श्री भगवान उवाच, उन्होंने कहा कि यूयम नृप नंदना, नृप अर्थात राजा, नंदन अर्थात पुत्र, नंदन अर्थात नंद जो आनंद देता है,
इसलिए पुत्र को कभी कभी नंद बोलते हैं, जैसे देवकी नंदन नंदन या वृषभानु नंदिनी स्त्रीलिंग है। तो नृप नंदन आह, ये आह मतलब बहुवचन हो गया। तो हे राजकुमारों, हे राजा के पुत्रों, यूयम तुम सब अभी कोई वर मांगो। वरम वृणीध्वम, वृणीध्वम मतलब मांगो। क्या मांगो? कोई वर मांगो, कोई आशीर्वाद मांगो मुझसे। भद्रम तुम्हारा कल्याण हो, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। वरम वृणीध्वम भद्रम वो यूयम मे नृपनंदना सौहार्देन अपृथक धर्माः। तो मैं प्रसन्न क्यों, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तो ऐसे क्यों भगवान बोल रहे हैं कि आप कोई वरदान मांग लो? क्योंकि आप दो चीज़ें कर रहे हैं, सौहार्देन आप बड़ी मित्रता से, अपृथक धर्माः, एक ऐसे धर्म का पालन कर रहे हैं एकजुट होकर जो कि वास्तविक धर्म है। ऐसा नहीं कि कोई पृथक पृथक धर्मों का पालन कर रहे हैं, कोई ज्ञान योगी है, कोई अष्टांग योगी है, कोई कर्म योगी है, कोई व्यक्ति योगी है, कोई कुछ कोई कुछ। ये 10 प्रचेता गण एक ही तरह के धर्म में लगे हुए थे, और वो है सर्वोच्च धर्म जो कि कृष्ण भक्ति है, जैसे कि हम गीता और भागवत से जानते हैं। तो एक ही धर्म अपृथक, भिन्न भिन्न धर्म नहीं, एक ही कार्य में लगे हुए थे कि भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है। एकजुट होकर सौहार्द देना, बड़े मित्रता की भावना से सौहार्द देना अपृथक धर्माः, तुष्टो हम सुहृदेन सहृदेन वह। तो इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तुष्ट अहम, मैं तुष्ट हूँ संतुष्ट हूँ आप सबके ऊपर, क्योंकि आप ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में सौहार्द है, और दूसरी बात अपृथक धर्माः, आप सब एकजुट होकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब सौहृदेन, ये सौहृद सौहार्द ये शब्द कहाँ से आता है, कोई बता सकते हैं? सुहृद से आता है। सुहृद शब्द कहाँ से आता है? हृद, हृद अर्थात क्या है? हृदय या हृदय की भावना। और सु अच्छी बात, अच्छी भावना, और दुह बुरी भावना। कभी कभी दुह का शब्द कुछ और भी हो सकता है जो बहुत कठिन हो, जैसे कि दुर्योधन। दुर्योधन वास्तव में नाम बुरा नहीं है, आदमी बुरा था, लेकिन आजकल कोई अपने बच्चों को दुर्योधन नाम नहीं रखेगा। आपने कभी सुना कि किसी बच्चे का नाम दुर्योधन किसी ने रखा है आज तक? रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, ऐसे कोई नाम रखते नहीं है। नाम बुरा नहीं है, दुर्योधन शब्द का अर्थ क्या है? जिससे युद्ध करना बहुत मुश्किल असंभव है। दुह मतलब बहुत बहुत कठिन, योधना जिनके विरोध में युद्ध किया जाए। तो जो युद्ध में इतने शक्तिशाली हैं कि उनके विरुद्ध में जाकर युद्ध करना संभव नहीं है, यह है दुर्योधन शब्द का तात्पर्य। परंतु दुह शब्द, ये जो अक्षर होता है, कभी कभी ऐसे नकारात्मक चीजों के लिए प्रयोग होता है ना, जैसे दुस्संग, दुराचार, सदाचार, दुराचार, ये दु 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 करके ये खराब चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। तो युधिष्ठिर महाराज कभी उनको दुर्योधन नहीं बोलते थे, वो सुयोधन बोलते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था दू दू क्या है ये, इसलिए वो सुयोधन कहते थे। फिर भी ये सुहृद, सुहृद
तो दुह और सु, तो सु मतलब अच्छा, ये भावनाओं की बात है। तो हृदय, हृदय और भावना, सु मतलब अच्छी भावना होना, अंग्रेजी में गुड विशेष कहेंगे, शुभ कामनाएं, किसी किसी का हितैषी होना, किसी का कल्याण चाहना। अभी साधारण मैत्री में भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भला चाहता है, परंतु साधारण मैत्री में समस्या ये होती है कि क्योंकि ये भौतिक स्तर पर स्थित होता है तो थोड़ी कुछ इधर उधर गलतफहमी हो जाती है तो वो संबंध बिगड़ जाता है और दोनों व्यक्ति एक दूसरे के हितैषी होना बंद कर देते हैं। ये कभी कभी इतना वैर हो जाता है दोनों के बीच में कि एक दूसरे के खून करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इतनी दुश्मनी कभी कभी हो जाती है और दुनिया में हम ऐसे देखते हैं। दोस्तों के बीच में तो बात दूर रही, कभी कभी माता पिता अपने बच्चों की हत्या करते हैं, बच्चे अपने माता पिता की हत्या करते हैं, भाई बहन, ये कुछ भी हो सकता है। जब आध्यात्मिक स्तर में कोई संबंध स्थित नहीं होता है पूरी तरह से, तो उस संबंध को बिगड़ने की पूरी पूरी संभावना रहती है। इसलिए यद्यपि प्रारंभ में कोई दूसरे व्यक्ति का हितैषी या शुभ चिंतक रहे भी, परंतु वो अधिक समय तक टिक नहीं सकता। आज नहीं तो कल रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से वो भावना बदल जाएगी, क्योंकि दुनिया में जैसे हम गीता से जानते हैं सब कुछ परिवर्तनशील है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और परिस्थितियों के अनुसार मैत्री का परिवर्तन शत्रुता में भी हो जाता है, अक्सर होता है। तो इसलिए ऐसा ऐसे मैत्री को हम सुहृद नहीं बोल सकते, ऐसे मित्र को। प्रभुपाद जी अनेक बार ऐसे उनके प्रवचनों में कहते हैं कि मैत्री भी, मित्र के लिए भी कई शब्द होते हैं, जैसे मित्र, और कौन से शब्द हैं हिंदी में, बंधु, सखा, दोस्त, ठीक है, ये तो उर्दू हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो सखा, तो सखा मतलब जो बहुत निकट का है, कृष्ण की सखा है, कृष्ण की सखियां है, तो ये बहुत निकट का संबंध हो जाता है। बंधु भी उसी तरह से, मित्र अर्थात ये कभी थोड़ी औपचारिकता भी इसमें आ जाती है, फॉर्मेलिटी की, ये हिंदी चीनी भाई भाई से बोलते हैं ना, तो चलो हम सब दो देश के मित्र हैं, थोड़ा कुछ हो गया दोनों के बीच में युद्ध हो गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितने भी प्रकार की मैत्रियां पाई जाती हैं दुनिया में, उनमें से ये सुहृद श्रेष्ठ है, क्योंकि ये ऐसा मित्र है जो कि सदैव सामने वाले का हित चाहता है। यदि सामने वाला व्यक्ति पहले व्यक्ति का भला के बारे में भला बुरा कहता है, उसको हानि पहुंचाने की भी कभी प्रयास करता है, फिर भी पहला आदमी शुभ चिंतक ही रहता है दूसरे आदमी का, और ऐसी भावना रहने के लिए आदमी को आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ा हुआ होना चाहिए। साधारणतः ऐसे नहीं देखा जाता, माता और बच्चे के बीच में भी आजकल ऐसे नहीं होता है। भौतिक स्तर में जितने भी संबंध हैं वो सब शरीर के ऊपर आधारित है, फिर भी यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, ऐसे बताया जाता है, प्रभुपाद जी भी इस बात को दोहराते हैं कि माँ और बच्चे का जो संबंध होता है वो सबसे शुद्ध होता है भौतिक संबंधों में। ये भी भौतिक है, याद रखिए, हम आध्यात्मिक संबंधों की बात नहीं कर रहे हैं जो कि भक्ति पर आधारित होती हैं, जो आत्मा के स्तर पे होती हैं। परंतु ऐसे तथाकथित निकट और शुद्ध संबंध में भी कभी कभी कितना बदलाव आ सकता है कि माता भी अपने बच्चे की हत्या करती है, बच्चा बड़े होकर माँ की हत्या करता है, वो तो हमने बहुत बार सुना है,
परंतु माँ भी अपने छोटे बच्चे की हत्या करती है। और हमने तो कितनी बार सुना है कि और प्रभुपाद जी कड़ी निंदा करते हैं गर्भपात की, कि माँ अपने पेट में होने वाले बच्चे की हत्या करती है गर्भपात। लाखों लाखों ऐसे महिलाएं अपने पेट के अंदर जो बच्चे गर्भ में स्थित बच्चों की हत्या करती हैं। परंतु ये तो ठीक है, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जान समझ सकते हैं। परंतु आए दिन कुछ न कुछ समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं, किसी एक महिला ने अपने छोटे बच्चों को, कोई 3 साल 5 साल 10 साल के बच्चे हैं, उनको भी मार दिया किसी न किसी कारणवश। उसका संबंध कहीं कुछ और हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो किस तरह का संबंध है ये जगत में? तो सुहृद कौन हो सकता है? केवल जो आध्यात्मिक जगत में स्थित है, जिसकी भावना, जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध है, कृष्ण भक्ति से भरा हुआ है, वही मात्र वास्तव में किसी दूसरे व्यक्ति का शुभ चिंतक बन सकता है। कोई साधारण व्यक्ति दूसरों का शुभ चिंतक नहीं बन सकता। और भले वो दूसरों का भला बुरा न चाहे, फिर भी ज्ञान के अभाव के कारण और आध्यात्मिक दृष्टि न होने के कारण वो उसका भला नहीं कर पाएगा चाहते हुए भी। इसलिए एक ही व्यक्ति, एक ही प्रकार के व्यक्ति ऐसे सुहृद हो सकते हैं, और वो है भगवान के शुद्ध भक्त। स्वयं भगवान भी सुहृद है। अब दोनों के लिए श्लोक है, भगवद्गीता में एक श्लोक है भगवान के संबंध में, और भागवत में भी श्लोक है भक्तों के संबंध में। कोई बता सकते हैं भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण सुहृद हैं सबके? वो श्लोक बोलिए, पूरा श्लोक। तो क्या मतलब इसका, श्लोक का? भगवान कह रहे हैं कि भोक्ताराम यज्ञतप साम, जो यज्ञों के जो भोक्ता है, असली भोक्ता भगवान स्वयं, यज्ञ तपस्या इत्यादि सब जो भोक्ता जो है भगवान ही है। और सुहृद सर्वभूतानाम, सारे जीवात्माओं के हितैषी, जो असली हितैषी है, वो भगवान ही है। अब इस चीज को समझता है वो शांति को प्राप्त करता है। सुहृदम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मतलब समस्त प्रकार के प्राणियों के सुहृद वास्तविक हितैषी भगवान है। यद्यपि ऐसे देखा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच में जब युद्ध होता है, और युद्ध अक्सर होते रहते हैं, श्रीमद् भागवत में भी कितने ऐसे उदाहरण हैं, तो उसमें भी जब भगवान देवताओं के पक्ष में जाकर असुरों के विरोध में युद्ध करते हैं, तो वास्तव में भगवान पक्षपात नहीं कर रहे होते हैं, असुरों से भी वो प्रेम करते हैं। परंतु क्योंकि ऐसे बाह्य दृष्टि से दिखाई पड़ता है कि भगवान तो देवताओं के पक्ष में गए, इसलिए परीक्षित महाराज ने भी ऐसा प्रश्न पूछा उनको, कौन से स्कंद में? सातवें स्कंद में, कि ऐसा क्यों है कि भगवान पक्षपात करते हैं, जबकि पक्षपात वही लोग करते हैं जो भौतिक गुणों से, सत्व रजस तमस से बंधे हुए हैं। तो भगवान तो इन तीन गुणों के परे हैं, तो वो क्यों पक्षपात करते हैं? देवताओं असुरों के बीच में जब युद्ध होता है तो देवताओं के का साथ क्यों देते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर तो देते हैं। अब इनका उत्तर ये अलग प्रवचन का विषय हो जाएगा, अभी विस्तार में उस विषय में जाएंगे तो थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। तो फिर इस संबंध में आगे चल के वो प्रहलाद महाराज की कथा आगे फिर हो जाती है। तो भगवान बाह्य दृष्टि से भले ही किसी का साथ दे, किसी का साथ न दे, किसी के पक्ष में रहे न रहे, परंतु वास्तव में पक्षपात नहीं करते हैं। उनके हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, वो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हर एक प्राणी का वो भला चाहते हैं। ये केवल भगवान में हो सकता है, इसलिए वो सारे प्राणियों के हितैषी हैं,
वो नहीं कहते कि केवल मेरे भक्तों का मैं हितैषी हूं। हाँ, भक्तों के प्रति भगवान का संबंध विशेष होता है, क्योंकि भक्त चाहते हैं ऐसे प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए भगवान के साथ। इसलिए भगवान भी कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजामि हम। तो भगवान तो भक्तों की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, और उसी तरह से भगवान अभक्तों की इच्छा भी पूरी कर रहे हैं। जब वो चाहते हैं कि एक वैर की भावना, वैर का संबंध बनाए रखें भगवान से, तो भगवान कहते ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो वही सही। परंतु भगवान उनका भी हितैषी होते हैं उनके भी। और इसका प्रमाण ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण किसी असुर का वध करते हैं तो उसका उद्धार करते हैं। जितने भी असुरों का वध श्री कृष्ण ने किया उनकी लीलाओं में, उन्होंने या तो उनको सायुज मुक्ति दे दी, या तो वैकुंठ लोक में सारूप्य आदि मुक्ति प्रदान की, या किसी विशेष विशेष स्तर में जैसे पूतना आदि उनको गोलोक में भी प्रवेश दे दिया। तो इससे हम जान सकते हैं कि जब भगवान किसी की हत्या भी करते हैं तो द्वेष के कारण नहीं करते, ईर्ष्या के कारण, क्रोध के कारण नहीं करते हैं, वो भी एक प्रेम का ही प्राकट्य है। इसलिए भगवान सुहृदम सर्वभूतानाम। और जहाँ तक भक्तों की बात है, उनको सुहृद कहाँ कहा गया है भागवतम में? कौन हाथ ऊपर कीजिए जिन्होंने? हाँ बोलिए। थोड़ा स्पष्ट बोलो। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदं सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। तो ये कौन कह रहे हैं? कपिल देवहूति संवाद में ये पाया जाता है। तो भगवान के शुद्ध भक्तों के गुणों का उल्लेख कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि शुद्ध भक्त कैसे होते हैं? तितिक्षवान होते हैं, बहुत करुणामय होते हैं, सुहृदम सर्वदेहिनाम, सारे देहधारी जीवों के हितैषी होते हैं, सुहृद होते हैं। तो या भगवान शुभचिंतक हो सकते हैं वास्तव में, या जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो हो सकते हैं, इनके अतिरिक्त और कोई सच्चा हितैषी नहीं हो सकता, पूर्णतः ये संबंध नहीं है। तो इसलिए ये सुहृद, इसका तात्पर्य जो है ना, ये बहुत गहरा है। तो हमारे आध्यात्मिक संस्था में हम जब भक्तों के संग में रहते हैं तो हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसको भक्ति कहते हैं। केवल यांत्रिक रूप से, औपचारिकता से कुछ हमने साधन कर लिया, सेवा कर लिया, उतना पर्याप्त नहीं होगा। ठीक है, भगवान बड़े कृपालु हैं तो ज्यों तो हम सेवा कर भी लेते हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे, चलो कम से कम इतनी सेवा तो इसने की ना, चलो स्वीकार कर लेते हैं। परंतु भगवान भावग्राही जनार्दन है, तो वो सेवा भाव को स्वीकार करते हैं, हृदय का जो प्रेम होता है सेवा में उसको स्वीकार करते हैं। तो हमारी सेवा जो है ये एक वाहन है हमारे हृदय के भावना को भगवान तक पहुंचाने के लिए। तो भगवान इस प्रेम को स्वीकार करते हैं और प्रसन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करे परंतु उसकी सेवा करने की इच्छा नहीं थी, तो क्या वो भक्ति कहलाती है? आप क्या मानते हैं? प्रश्न समझ गए आप? प्रश्न क्या था? पहली बात कि भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। परंतु किसी व्यक्ति ने भगवान को प्रसन्न किया बिना भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रख के, वो अकस्मात हो गया कभी कभी। जैसे असुर हैं, उन्होंने भगवान से युद्ध किया,
युद्ध करते करते भगवान को वीर रस का आस्वादन हो, उनको मजा आ गया, भगवान को अच्छा लगा, तो भगवान प्रसन्न हो गए। परंतु क्या फिर वो असुर भक्त कहलाता है? ये जो भक्ति की परिभाषा है ना, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मातिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति की परिभाषा इस श्लोक में जो पाई जाती है उसमें ये बहुत आवश्यक है, ये आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम होना चाहिए कि हमारे अंदर भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा होनी चाहिए। बिना ऐसी इच्छा हुए यदि हम भगवान को प्रसन्न करेंगे फिर भी हम भक्त नहीं कहलाएंगे। इसलिए आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी कहते हैं, यदि ऐसा होता तो हिरण्यकश्यप रावण ये सब भक्त हो जाते। और ऐसे भी भक्त होते हैं जो कभी कभी भगवान को नाराज करते हैं, भगवान नाराज होके कुछ न कुछ कभी दूर चले जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। जैसे माता यशोदा ने श्री कृष्ण को दूध नहीं दिया, दूध उबालने के लिए कहीं चली गई, उनका भूख मिटा नहीं था, भगवान को गुस्सा आ गया, अप्रसन्न हो गए, मटके वगैरह तोड़ दिया, तहस नहस करके वहाँ से भाग गए। तो भगवान को अप्रसन्न किया माता यशोदा ने, तो इसका मतलब है माता यशोदा भक्त नहीं है। तो यदि हम केवल यही मानेंगे कि जो भगवान को प्रसन्न करते हैं वो भक्त हैं और जो भगवान को नहीं प्रसन्न करते वो असुर हैं, यदि ऐसा तर्क है तो फिर हिरण्यकश्यप रावण भक्त हो जाएंगे, माता यशोदा असुर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसलिए फिर आचार्यगण कहते हैं कि महत्वपूर्ण बात क्या है, भगवान प्रसन्न हो ना हो वो बात की बात है। पहली बात, हमारे हृदय के अंदर भगवान को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तब जाकर वो भक्ति कहलाती है। अनुकूलेन, तो अनुशीलनम का अर्थ अनुशब्द है, पीछे पीछे चलना, अर्थात साधु साधु पुरुष जो है पूर्व उनके पद चिन्हों में चलना, सतो वृत्ते है। तो ऐसे महान संतों के पदचिन्हों में चलने से, उनके आदेशों का पालन करने से और उसके अनुसार जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं, तो ये प्रामाणिक भक्ति है। आगे चल के भगवान प्रसन्न निश्चित होंगे। हाँ, यशोदा माता के स्तर पे जब रहेंगे, कोई ऐसे राग मार्ग में भक्ति कर रहे हैं, जैसे वृंदावन में कृष्ण को नाराज भी करते हैं, कृष्ण को दंड भी देते हैं, वो व्रज भाव है, वो बहुत ऊंचा भाव है। हम भी आशा करते हैं कि एक न एक दिन हम भी ऐसे भाव को स्वीकार कर पाए, हम भी ऐसे वृंदावन की लीला में प्रविष्ट हो जाएं, ये हमारे जीवन की परिपूर्णता होगी। परंतु ये कृत्रिम रूप से, ऐसे सस्ते रूप से ऐसे हम उसको पा नहीं सकते हैं। आचार्यों के बतलाए हुए पथ पे चल के ही ये संभव हो पाएगा, आज नहीं तो कल। तो प्रसन्न करना ये कितनी बड़ी बात है भगवान को। तो सुहृद, ऐसे ऐसे सही भगवान कहते हैं, मैं आपसे प्रसन्न हो गया हूँ, प्रचेताओं से कहते हैं। और सुहृदों की इच्छा और भक्तों प्रचेताओं की इच्छा भी थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो वो आदर्श भक्त हो गए, क्योंकि उनको आदर्श गुरु मिले थे। उनके गुरु कौन थे? स्वयं भगवान शिव। तो ऐसे महान वैष्णव उनको मिले गुरु के रूप में, उनकी भी इच्छा थी। तो बस अपृथक धर्मा, एक ही कार्य में लगे रहे, बड़े दृढ़ता से, बड़ी तपस्या भी की उन्होंने, तो इसलिए भगवान प्रसन्न हुए। तो यदि हम केवल सोचे कि चलो हम सब ब्रह्मचारी हैं, हम आश्रम में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं और अच्छी तरह से हम दोस्ती करेंगे, एक दूसरे के शुभ चिंतक रहेंगे,
परंतु फिर हम माला नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या दोस्ती हमारी अच्छी है, हम सुहृद हैं, तो वो नहीं चलेगा ना। अपृथक धर्म कहाँ गया, दोनों होने चाहिए। फिर वो तो भावुकता हो जाती है ना, भौतिक स्तर का, ये भौतिक स्तर की दोस्ती हो जाती है। तो ब्रह्मचारी बीच में मिलके यदि नहीं करते हैं, आप एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे जो मिलके करें, चलो भाई हम जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, और कोई पकड़ ले बोले भाई क्यों गए थे सिनेमा देखने, भाई सौहार्द है ना, सुहृद है, हम इतने अच्छे अच्छे मैत्री की भावना से जा रहे हैं। ठीक है मैत्री की भावना, लेकिन अपृथक धर्माह कहाँ गया फिर? तो केवल दोस्ती होना इतना काफी नहीं है, और दूसरी ओर से बहुत कड़ी तपस्या करना, 64 माला जप करो, ये करो वो करो, बहुत चीजें करना, लेकिन फिर दूसरों के साथ कोई संबंध ही नहीं रखना, किसी के साथ जमती नहीं है, किसी से बात नहीं होती, इससे झगड़ा हो रहा है, उससे झगड़ा हो रहा है, इससे बनती नहीं, उससे बनती नहीं, तो क्या लाभ? इसके प्रति अपराध करते हो, उसके प्रति अपराध कर बैठते हैं, तो क्या फायदा फिर? ये 64 माला करके फिर क्या भगवान प्रसन्न होंगे? इसलिए दोनों चीजें, सौहार्द देना, अपृथक धर्माः, ये दोनों चीजें हैं। लेकिन फिर चौथे पाद में अर्थात श्लोक के अंत में भगवान क्या कहते हैं? तुष्टो हम सौहृदेन वह, वो दोबारा कहते हैं संतुष्ट मैं क्यों हूं आपके सौहार्द के भावना से। तो यद्यपि दोनों चीजें आवश्यक हैं, भक्ति की तपस्या हमें करनी चाहिए, जो भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अर्चा विग्रह की सेवा हो रही है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं आप सब कर रहे हैं, वो तो होनी ही चाहिए, और भी अच्छी तरह से, और भी तीव्रता से होनी चाहिए, हृदय से होनी चाहिए। परंतु इतना सब करने के बाद भी यदि हमने आपस में संबंध बनाए नहीं रखे, कम से कम हृदय से प्रयास नहीं किया, तो फिर भगवान क्यों प्रसन्न होंगे? इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कड़ी तपस्या करके, अच्छी साधना करते हुए भी हमें आपस में एक दूसरे के बीच में सौहार्द की भावना स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी एक साथ में रहते हैं ना 24 घंटे, तो क्या होता है? परिचयात् अतिपरिचयात् अवज्ञा। अति परिचय होने के कारण कभी कभी तुम्हें कुछ हो जाता है, संबंध कभी कभी बिगड़ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर कभी कुछ गुस्सा आने लगता है, इसने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, हो सकता है। जब तक ये शरीर है, जब तक हम ये दुनिया में है, थोड़ा कुछ इधर उधर हो सकता है, हो जाएगा, परंतु ज़्यादा गंभीरता से चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, इनको मिटा देना चाहिए, जो भी गलत फहमियाँ होती हैं या जो भी कुछ संबंध बिगड़ भी गए हैं, इनको ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए, गंभीरता से इनको इतना नहीं लेना चाहिए, इन चीज़ों को मिटा कर आपस में अपने मैत्री की भावना स्थापित करनी चाहिए, कृत्रिम रूप से नहीं, औपचारिकता से नहीं, हृदय से। तब हमारी जो तपस्या है, हमारी साधना है, वो सब फलित होगी अच्छी तरह से। हम 64 माला करेंगे, ये वो तपस्या करेंगे, रोज परिक्रमा करेंगे, परंतु हृदय में अन्यों के प्रति यदि हमारी भावना अच्छी नहीं है, तो भगवान नहीं प्रसन्न होंगे हमारे ऊपर। क्योंकि भक्तों को प्रसन्न किए बिना हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते? तो हाँ, कभी कभी सेवा के बीच में उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक है, संभाल लेना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीख है, उपदेश है हम सबके लिए जो साथ में रहते हैं, आश्रम के अंदर रहते हैं, मिलजुल के सेवा करते हैं। तो हमारे लिए प्रचेता गण एक आदर्श है, इनको हमेशा याद रखना चाहिए हमें। तुष्टो हम सौहृदेन वह, आप सबके सौहार्द से
मैं अति संतुष्ट हूँ, अत्यधिक संतुष्ट हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। और साथ साथ में अपृथक धर्मा, आपने ये भी कड़ी तपस्या की मुझे संतुष्ट करने के लिए। हरे कृष्णा, चलो सवा आठ बज गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है? दो पांच मिनट। यार कोई टीका कुछ करना चाहते हैं? हमारे यहाँ गोपेश्वर प्रभु है, सारंग ठाकुर प्रभु है, सब पुराने भक्त जो पहले से मुझे याद आ रहे हैं। स्थूल इंद्रिय तृप्ति से व्यक्ति बच सकता है, परंतु सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति से कैसे बचे? तो सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति किस प्रकार की? हाँ, तो नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी हम लोग ज्यादा ही सोच लेते हैं। हम कई बार लोग प्रश्न भी ऐसा कैसे करें, बस कर लो, बस इतना ज्यादा भी सोचो नहीं, है ना। हम वैष्णवों को से अपराध से कैसे बचे? भाई नहीं करो, अभी कैसे नहीं करो, इतना सब सोचने की जरूरत नहीं, नहीं करना है, ठीक है। प्रश्न यह है कि भगवान आत्मा राम है तो उनको कोई कैसे प्रसन्न कर सकता है या अप्रसन्न कर सकता है? भगवान आत्मा राम है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जड़ है, पत्थर है, नहीं तो फिर सारी लीला का अर्थ ही क्या हुआ? इतने सारे लीलाएं भगवान कर रहे हैं ब्रज में, क्या मतलब हुआ फिर? भगवान की यदि कोई भावना ही नहीं है, वो आत्मा राम है, फिर भगवान लीलाएं क्यों करते हैं? भगवान लीलाएं करते हैं अपने आनंद के वृद्धि के लिए। तो आत्माराम अर्थात जो अंदर से ही संतुष्ट हैं, अपने आत्मा में ही रमण करते हैं, परंतु क्योंकि भगवान कृष्ण के संबंध में सभी कुछ असीमित है, इसलिए उनका आनंद भी असीमित है और उनके आनंद की खोज भी असीमित है। इसलिए आत्माराम होते हुए भी वो और आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। ये एक तथाकथित विरोधाभास हो सकता है, परंतु परम सत्य होने के नाते समस्त प्रकार के ऐसे तथाकथित विरोधाभासों का समन्वय भगवान में होता है। भगवान सबसे तेज भागते हैं, सबसे धीरे भी, सबसे हल्के, सबसे भारी। तदे जति तन्नै जति तद् दूरे तद्वन्तिके, है ना। तो इसलिए भगवान ये सब लीला करते हैं, एको बहुश्याम, अपने आप को विस्तार करते हैं, तरह तरह के जीवात्माएं और अन्य अन्य उनके पार्षद उत्पन्न होते हैं, फिर उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, इससे सबके आनंद की वृद्धि होती है, भगवान की भी और उनके अंशों की भी, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अंतिम प्रश्न। हाँ तो पहली बात है कि सौहार्द कैसे लाना चाहिए, और दूसरी बात, सामने वाला व्यक्ति हमारा सौहार्द स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी बात को पहले करते हैं, तभी तो ये चुनौती है कि सौहार्द होना नहीं होना। अभी भगवान देखिए,
कब से हमारी राह देख रहे हैं, परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं ना, कितने जन्मों से बैठे हैं, हम उनको नकारते आए हैं, उनको उनके प्रति लापरवाही करते आए हैं, ध्यान नहीं देते, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों जन्म हो गए, वो तो बुला रहे हैं भाई आओ आओ आओ, हम देख भी नहीं रहे उनकी ओर, वो तो हमारे सूर्य फिर भी सूर्य हैं, बैठे हैं बैठे हैं, इसलिए भगवान सूर्य है मस्त। तो यदि कोई सामने वाला हमारे सौहार्द को का आदान प्रदान नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, हमें तो वैसे ही रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सौहार्द का परिवर्तन द्वेष में होना चाहिए, अरे मैं इतना कर रहा हूँ कुछ सुन नहीं रहा है। हाँ, प्रत्यक्ष हम कुछ ना करें आगे चल के वो अलग बात है, परंतु हृदय में कम से कम कोई वैर ये ईर्ष्या वगैरह सब नकारात्मक भावनाएं नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि कैसे हम सौहार्द की भावना का अनुशीलन करें, सबसे मूल बात है कृष्ण भक्ति करके, हमारे साधन को श्रवण कीर्तन आदि को अच्छा करके अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। जैसे जैसे हृदय का परिवर्तन होगा, जैसे जैसे कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ता जाएगा हृदय में, वैसे वैसे ये सारे गुण भी अपने आप आ जाएंगे। फिर भी साथ साथ हमें प्रयास करना भी चाहिए, जो भी हमने सीखा है सुना है शास्त्रों से आचार्यों से, जब हम देखते हैं कि उसके विरुद्ध कुछ भावना हमारे हृदय में आ रही है तो अपने आप को रोक लेना चाहिए। जब हम देखते हैं कि अरे मेरे हृदय में उसके प्रति ऐसी भावना आ रही है, हाँ, तो फिर समझ लेने ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने आप को समझा लेना चाहिए, नहीं बुद्धि से मन को ठीक कर लेना चाहिए, आध्यात्मिक बुद्धि से। ऐसा होना ठीक नहीं भाई, चुप रहो अभी जवाब मत दो, तो आध्यात्मिक बुद्धि से ऐसे विचलित मन को शांत करना चाहिए। हाँ, देखिए हम किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, तो हमें सुहृद रहना है, शुभचिंतक रहना है, भले हम उसे सक्रिय रूप में न लाएं क्योंकि वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं ना, फिर आगे चल के उसके और भगवान के बीच में ऐसे होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब अभी अच्छी तरह से करिए भक्ति, आप सब बहुत लाभ सौभाग्यशाली हैं, वृंदावन धाम में आपको वास मिला है, ब्रजवासी बने हैं आप, तो अच्छी तरह से एकजुट होकर प्रचेताओं की तरह सेवा कीजिए, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कीजिए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।